वेलकम बैक टू फ्लेवर्स बाय विनी। आज भी मैं अपने एक व्यूअर के डिमांड पे बनाने जा रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 6 पाव लिए हैं। फिर मैंने लिया है सब्जी बनाने के लिए 3 उबले हुए आलू और 150 से 200 ग्राम मैंने लिए हैं गोभी के फूल। इस तरीके से गोभी में से तोड़ लिए हैं और 1.5 मैंने गाजर ली है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च ली है इसको भी रफली काट लिया है। 1 छोटा कटोरी मटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज के प्याज और 4 बड़े साइज के टमाटर जिनको चॉप कर लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार और 1 छोटा टीस्पून लिया है जीरा और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ली है हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, क्योंकि कई लोग पाव भाजी में हल्दी नहीं डालते हैं बट मैं यहाँ हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून पर मैंने लिया है पाव भाजी मसाला, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये घर का पिसा पिसाया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बाजार का नहीं यूज कर रही हूँ, और 1 नींबू का रस, 1 टेबलस्पून ऑयल और 100 ग्राम बटर। बटर आपको अच्छे से यूज करना है, इसमें प्लीज कंजूसी नहीं करनी है, तभी हमारी पाव भाजी अच्छी बनेगी। फिर मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर पानी, ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं ऑन डिमांड रेसिपी पाव भाजी। अब सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर गैस पे रखा है, इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी आलू को छोड़ के। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी गोभी, फिर मैं इसमें डाल दूंगी गाजर और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च और मटर। ये सब डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इस सब्जियों को बॉईल करना है ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो सारी गल जाए। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, तो इसलिए सॉल्ट अपने हिसाब से आप ऐड करिएगा, क्योंकि बाद में भी हमें सब्जी बनाते समय भी इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं यहाँ पे लेड लगा दूंगी और इसको विसल आने दूंगी 2। अब जब तक हमारी सब्जियों में प्रेशर आता है साथ ही में हम लोग सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक तरफ एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा साथ में मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और इसको थोड़ा सा तेल में स्प्लटर होने देंगे और जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा तेल में तल जाता है अब मैं साथ में इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर यहाँ पे मैंने इसीलिए क्यूब्स में डाला है क्योंकि मैं इसको इंटरवल्स में डालती रहूंगी। यहाँ पे मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं बटर के और इसको डाल दिया है यहाँ पे और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दूंगी, क्योंकि अगर आपको माफी जैसी पाव भाजी खानी है तो बटर तो डालना ही पड़ेगा अच्छे से। फिर मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी प्याज और प्याज यहाँ डालने के बाद इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें यहाँ इसे भूनते हुए, तो इसको भूनने देते हैं। प्याज हमारे हल्के से भून चुके हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है, ज़्यादा नहीं भूना है हमने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर डाल के इनको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बटर 2 क्यूब्स और इसको फिर से चलने देंगे। फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज कर देती हूँ मीडियम टू हाई, इनको पकने देते हैं, लगेंगे 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से सॉफ्ट होने में। अब जब तक हमारे
टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम कुकर को खोलेंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे हम लोग जो हमने आलू लिए हुए थे इनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है चम्मच से। मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको एक मैशर से मैश कर दूंगी। ये जो आलू हमने इसमें उबला हुआ डाला है ये बाइंडिंग का काम करेगा हमारी सब्जियों के साथ। तो हम इसी तरीके से सारी अपनी सब्जियों को मैशर से मैश कर देंगे। सब्जियों को देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आइए अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और इसको एक बार मिला देंगे। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद हम इसको एक बार और पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा जो हमारा मसाला है बहुत ही अच्छा बनेगा सब्जी का। मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। अब मैं इसे अच्छे से चला दूंगी एक बार। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी बटर। ये जो मैं इंटरवल्स में इसमें बटर ऐड कर रही हूँ इसका कोई रीज़न है। हमारी सब्जी को बहुत ही टेस्टी बनाएगा और हमारी सब्जी में जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला यहाँ पे मैं आधा यूज़ करूँगी और आधा बाद में सब्जी डालने के बाद। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको एक से दो मिनट और पकने दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला मेरा बहुत अच्छे से भून चुका है। कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी जो ये सब्जियां मैंने मैश करके रखी हुई थी। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले के अंदर। सब्जियों को मैंने अच्छे से मसाले में मिला लिया है और इसको अच्छे से मैंने 4 से 5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करूंगी जो मैंने रखा हुआ था आधा डालने के लिए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आपको स्वाद के अनुसार डालना है क्योंकि नमक ऑलरेडी बटर में भी है तो ऐसा ना हो कि नमक जो है ज्यादा हो जाए। अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। फ्लेम में थोड़ा तेज कर दूंगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू का रस और ढेर सारा धनिया। धनिया हमारी पाव भाजी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। और आधा धनिया मैं बचा लूंगी गार्निश के लिए। और बस अब मैं फ्लेम कर दूंगी बंद क्योंकि नींबू डालने के बाद ज़्यादा देर गैस नहीं जलानी चाहिए जिससे क्या होता है हमारी जो सब्जी होती है वो कड़वी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी पाव भाजी सब्जी रेडी है। आइए आप पाव सेक लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक तवा गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे एक पाव लिया है, इसको इस तरीके से बीच में से काट लिया है। और अब मैं तवे पर डाल दूंगी बटर। और कई लोग बटर में ही सेकते हैं या कई लोग ऐसे हल्का सा इसमें लाल मिर्च लगा के भी सेकते हैं, इससे पाव में थोड़ा सा अच्छा सा कलर एक आ जाता है। चाहे तो आप सिर्फ बटर के साथ भी सेक सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम लोग पाव को यहाँ रख देंगे। तो देखिए पाव में हमारा कितना सुंदर कलर आ गया है। पाव हमारा सिक्के तैयार है। अब
मैं फ्लेम कर देती हूँ बंद। अब मैं इसी तरीके से और पाव भी सेक लेती हूँ। और आइए अब हम अपने पाव भाजी को सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑन डिमांड रेसिपी पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप किसी भी गेट टुगेदर में, बर्थडे पार्टी में या एज अ इवनिंग स्नैक्स बना के खा सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को ये बहुत पसंद आती है। तो इसी रेसिपी से आप भी अपनी पाव भाजी बनाएं, आई एम श्योर बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।